पहली बार थोड़ी ट्रेन में अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, मोर सो इस ट्रेन में। ये तो समझ लो मेरा सेकंड होम है जी। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो, आपसे बात कर रही हूँ। अरे ये सीट मेरी है, 24। कमाल है। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट है ना, कोई लेना पसंद नहीं करता, पर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं। मेरा फंडा ये कि रस्ते के जितना नजदीक उतना अब मेरा सफर तो इस ट्रेन से खत्म नहीं होने वाला। आगे जाना है मुझे भटिंडा, घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। भटिंडे की सिकनी हूँ मैं। सब कहते हैं कि मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउड हम जैसे लोगों से ही तो बनता है, मतलब खुद ही भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। सो फनी। वैसे मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए। आई थी पता है कब? जब मुंबई बॉम्बे था, मतलब एक नाम के शहर में आई और किसी दूसरे नाम के शहर से जा रही हूँ। नहीं मतलब आप मुझे बताओ कि इस बात की क्या लॉजिक हुई। हॉस्टल 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 हॉस्टल, सेंट टेरेसाज बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल इन मरीन ड्राइव। मुझे कसम है आज के बाद हॉस्टल में रहूंगी नहीं। नफरत हो गई मुझे हॉस्टल से। आई हेट हॉस्टल्स, आई जस्ट हेट देम। आई होप ना बरसात आने से पहले रोड्स की डिगिंग खत्म हो जाए, वरना पता है क्या होगा। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं रहूंगी यार, पर बाकी जनता जो है ना यहाँ पर। उनका क्या?